अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है डिस्कस टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। तो बेसिकली फंजाई जो है प्लांट से भी रिसेम्बल करता है, एनिमल से भी रिसेम्बल करता है। इसके पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स जैसे हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हैं, कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए ये किंगडम प्लांट्स में भी नहीं आता और किंगडम एनिमेलिया में भी नहीं आता। इसके अलग से किंगडम होती है जो कि किंगडम फंजाई होती है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट लाइक होते हैं और एनिमल लाइक होते हैं। तो ये हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, जिसमें पहला है सेल वॉल। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है जैसे प्लांट्स के पास होती है। सेकंड है लेग सेंट्रियोल्स। इनकी डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान जो है सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, तो फंजाई में भी इसी तरह होता है। थर्ड है नॉन मोटाइल, यानी ये मूव नहीं कर सकते। प्लांट जो है एक ही पोजिशन पर रहता है और फंजाई भी इसी तरह सेम पोजिशन पर रहता है। और एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के ज़रिए किसी और स्पीशीज़ या किसी और मीडियम से ले रहे होते हैं, इसीलिए एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स इनको कहा जाता है। अब देखते हैं इसके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं। फंजाई के एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होंगे, नंबर वन है हीटरोट्रॉप्स। जैसे मैंने बताया कि ये हीटरोट्रॉप्स भी होते हैं फंजाई, यानी अपना फूड किसी और स्पीशी या किसी और मीडियम से लेते हैं। तो ये ही जो है सेम फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स का भी होता है। सेकंड है लेग सेल्यूलोस। इनकी फंजाई की सेल वॉल में जो है सेल्यूलोस प्रेजेंट ही नहीं होता, और इसी तरह एनिमल में भी सेल्यूलोस नहीं होता। थर्ड है इंक्लूड काइटिन। काइटिन एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन पाया जाता है। ये एक केमिकल कंपोनेंट है। इसी तरह फंजाई में भी ये काइटिन मौजूद होता है, केमिकल कंपोनेंट। तो इसी रीज़न से ये एनिमल से रिजेंबल कर रहा होता है। तो ये प्लांट से कम एनिमल से ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होता है फंजाई, लेकिन जो है ये दोनों से रिजेंबल कर रहा होता है। इसलिए किसी एक किंगडम में इनको इसको नहीं इंक्लूड किया जा सकता, इसलिए इसकी अलग किंगडम होती है, विच इज़ किंगडम फंजाई। होपफुली आपकी क्यूरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।